खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर से है, जहां पर पुरभट्टा पुलिस ने स्मैक की खेप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी से 105 ग्राम स्मैक के साथ एक मोबाइल भी बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 11 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया है। एसएसपी ने मामले को खुलासा करते हुए बताया कि पुलभट्टा थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तभी यहाँ भांगा और भिल्लोर तिराहे पर वाहन चेकिंग करने के लिए टीम ने एक युवक को पकड़ दिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास 105 ग्राम स्मैक बरामद हुई। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। आपका निर्देश रहता है कि भाई मुक्त उत्तराखंड और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है 2025 तक। इसी के तहत माननीय डीजीपी साहब और आईजी साहब के निर्देशन में हम विभिन्न टीमें लगाए रखते हैं और नशा हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना विशेष रूप से उधमसिंह नगर में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। तो सबको जानकारी है हमको कि बरेली पीलीभीत से स्मैक की सप्लाई होता है, तो विशेष रूप से किच्चा सर्कल में हमें विभिन्न टीमें एक्टिवेट रहता है। कल रात को पुलभट्टा पुलिस की टीम को उनकी इतने दिन से कई दिन से मेहनत पर लगे थे, उनका एक